महामंत्री जी, अभी वेज रिवीजन को लेकर काफी बातचीत हो रही थी, रिक्विजिशन मीटिंग बुलाया गया था, उसको आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया? इसमें दो कारण थे। पहला कारण था, रिक्विजिशन मीटिंग जो लोग साइन किए थे उन लोगों का एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि वेज संबंधित हम लोग को जानकारी चाहिए। जो जानकारी हम लोग जब भी जो कमेटी मेंबर समय लिए, चाहे इंडिविजुअल में लिए चाहे ग्रुप में लिए, हम लोगों ने समय दिया, अध्यक्ष, महामंत्री, डिप्टी प्रेसिडेंट, जब भी समय मांगा, हम लोग ज्वाइंटली मांगा, इंडिविजुअल मांगा, हम लोगों ने सब कुछ उन लोगों को ब्रीफ किया। जब सब कुछ जानकारी दिया ही जा रहा था, इस बीच रिक्विजिशन मीटिंग का जब उन लोगों का डिमांड आया, उसी समय वार्ता हम लोगों की टूट चुकी थी। जब वार्ता टूट चुकी थी तो उस रिक्विजिशन मीटिंग में हम लोग बुला करके क्या उन लोगों को जानकारी दी, पहला चीज। दूसरा ये था, हम तीनों ने बैठ करके शीर्ष नेतृत्व में बात की आपस में, और आप जैसा जानते हैं कि अध्यक्ष प्रधान टाटावल कसिमियन रहा है, और हमारे अध्यक्ष ने कहा कि जब वार्ता टूट चुकी है तो अभी इसे बुलाने का कोई औचित्य नहीं होता है। तीसरा चीज ये बात हमारा था कि हमारा एक कमेटी जो नॉर्मल कमेटी मीटिंग होता है, फाइनेंस कमेटी वाला व्यू था, हम लोगों ने सोचा कि इस बीच में उसे बुला लिया जाएगा और उसी मीटिंग में सारे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन उसमें एक दुविधा आई कि हमारा ऑडिट रिपोर्ट ही, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ही अभी तक तैयार नहीं थी, इस कारण से ये लंबित रहा। लेकिन आपका संविधान कहता है कि रिक्विजिशन मीटिंग बुलाने का जो अधिकार है वो कमेटी मेंबरों के पास है, महामंत्री बुला सकते हैं, फिर ये मीटिंग नहीं बुलाना, ये अपने से फैसला लेना नहीं, संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं दिखती? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये मौलिक अधिकार है कमेटी मेंबरों का, और ये संविधान भी इसकी इजाजत देती है, उसी के तहत हम लोगों ने इस मीटिंग को कॉल किया था। लेकिन ये ऐसा टाटा वर्कर्स यूनियन में पहली बार नहीं हुआ, इसके पूर्व भी जब अध्यक्ष पीएन सिंह रहे हैं तो कुछ लोगों ने रिक्विजिशन मीटिंग कॉल किया था, लेकिन जितने लोगों ने सिग्नेचर था सबसे पीएन बाबू ने उस समय बात की थी, और उस समय भी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। संवैधानिक संकट टाटा वर्कर्स यूनियन में नहीं आए, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो क्या मीटिंग आप बुला सकते हैं अभी फिर से? क्या औचित्य है रिक्विजिशन मीटिंग का अभी और आगे? देखिए, हम लोग जिस मुद्दा पे रिक्विजिशन मीटिंग की बात हो रही है उसमें तीनों पदाधिकारी शीर्ष नेतृत्व हम लोग जा रहे हैं, और बिना उन लोगों की तीनों की सहमति से ये मीटिंग कॉल भी अगर हम कर देते हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय या डिप्टी जी नहीं रहते तो मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि उस मीटिंग में कुछ रिजर्वेशन लेना पड़ेगा और अध्यक्ष की उपस्थिति उसमें आने वाली है।